अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी, अनम और दोनों बच्चों की तरफ से रमज़ान मुबारक। आजकल सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। बच्चे 12 बजे सोने के लिए गए हैं, उसके बाद मैं और अनम बिल्कुल भी सो नहीं सके। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह सहरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर अपनी नींद को पूरी करेंगे। लेकिन देखना है कि अगले कुछ दिन क्या प्लान बनेगा, क्योंकि इस तरीके से तो मामला ज़रा मुश्किल चलने वाला है। क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं, स्कूलों ने पूरे रमज़ान की छुट्टी दे दी है, तो उनको भी बिज़ी रखना है। प्लस एक रीज़नेबल सा प्लान बने कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, किन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखना है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्लान आउट करेंगे। अभी नौक हुई है कि सहरी तैयार है, तो आपसे बाद में मुलाकात होती है। एक्चुअली पहला दिन था तो काफ़ी कन्फ्यूजन थी। मैंने 2:30 बजे जहाज़ के लिए दरवाज़ा खोल दिया था और 3:10 तक हम लोग सहरी करके फारिग हो चुके हुए थे। और उसके बाद फिर काफ़ी देर, तकरीबन 4 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा अजानों का। फजर के बाद हम दोनों सो गए और तकरीबन 11:30 बजे उठे। ऑब्वियसली बच्चे तो एक्टिव एज एनीथिंग, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया, फिर उठा के अपने ही व्लॉग्स की वीडियोस देखना शुरू हो गए। आप पानी पी रही है? आपका रोज़ा नहीं है? मेरे बर्डी रोज़ा। आपका बर्डी रोज़ा है? बर्डी रोज़ा कैसा होता है? फाइंड अ बर्ड जैसी बर्ड नजर आए। देन व्हाट डू यू से? चलें वो आपको दिखा देंगे जब आपका बर्डी रोज़ा खुला। लेकिन तो फिर आप पी कैसे रही हैं? आपको बर्डी नज़र आ गया था? We are not doing roza yet. अच्छा अच्छा, आज रोज़ा ही नहीं है आपका? नहीं। यानी कि आज आप खोजे मार रहे हैं? डैडी का है। याशी मार रहे हैं, याशी। मामी और डैडी का। देखिए यार, रमज़ान का महीना जो है वो हमारे लिए एक ट्रेनिंग सेशन है। जिस तरीके से आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होता है तो वो उनको इंसेंटिव देते हैं, आओ जी ट्रेनिंग करो तो आपको ये मिलेगा। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है, आओ अपने आप को सुधारो, आओ चीज़ें सीखो, आओ अपने आप को इम्प्रूव करो और मैं इन रिटर्न ज़्यादा सवाब दूंगा। सो हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बीइंग पेरेंट्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सिर्फ अपने आप को ना देखें, अपने बच्चों के की ट्रेनिंग का भी ख्याल रखें। आप सब लोगों को पता है कि अभी आजकल ड्राइंग रूम जो है वो खाली पड़े हुए हैं, कोई आ जा तो सकता नहीं है। तो अनम ने क्या किया है, शी इज़ मेड आवर ड्राइंग रूम इनटू अ स्मॉल मस्जिद सेटअप। आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने इस पूरे एरिया में से सब फर्नीचर वगैरह हटा के साइडों पे करके, टेबल वगैरह को साइड पे करके एंड जानमाज़ें बिछा ली हैं। वो इमाम साहब की हैं, वो आयला की है, ये अनम और आयान की हैं और ये कुछ किताबें हैं। सो ये किताब आयान बड़े शौक़ से पढ़ता है। उसके अलावा ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है बच्चों के लिए, सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ है। सो इससे एक जो हम स्टेप लेना चाह रहे हैं वो ये कि सारी की सारी नमाज़ें हम बाजमात पढ़ें, ऑल फोर ऑफ अस। उसके अलावा ये कि बच्चों को ज़रा सा अंदाज़ा हो कि अपने नॉर्मल सेटअप को छोड़ के एक जगह पे जाया जाए जो कि मस्जिद है, टू स्पेंड टाइम टू गेट क्लोजर टू अल्लाह ताला। आज जो हमने पहली नमाज़ पढ़ी जोहर की, उसमें अयान स्पेंट अराउंड 2 आवर्स, वो उसको मज़ा आना शुरू हो गया। वो बैठ के उसने पहले सूरह रहमान पढ़ी है,
फिर उसके बाद एक दो स्टोरीज पढ़ी। अनम ने कहा यार जरा आराम से, ये पूरे 30 दिन काम करना है हमने। सो आई रियली होप वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड इस स्टेप से फ़ायदा उठा सकें। इन एडिशन टू दिस वी मेड लिस्ट्स, हर एक ने अपनी अपनी भी बनाई है, यानी कि अनम ने और मैंने अपनी अपनी भी बनाई है और हमने बच्चों के लिए बनाई है कि हर रोज़ कोई एक नई चीज़ करनी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक सूरत का तर्जुमा, सूरह इख़लास पकड़ ले बच्चा, तो उसको समझाना, उसका बैकग्राउंड ज़रा सा समझाना। सो कोई एक प्रॉफिट स्टोरी पकड़ लेना, किसी एक सहाबी की स्टोरी पकड़ लेना। सो वो पूरे का पूरा बच्चे के लिए ओवर 30 डेज नॉलेज बेस इंक्रीज करना, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। बच्चों के लिए आज सबसे बड़ा टास्क था सीखना कि तस्बीह को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज आयान ने, आयान कितनी दफ़ा पढ़ी है बेटे आपने? 3 या 4 दफ़ा। आयला आपने भी पढ़ी थी तस्बीह? जी, आयला ने एक दफ़ा पढ़ी थी। सो दिस वाज वन ऑफ द टास्क फॉर टुडे। एक और चीज़ जो है वो ये कि दिस रमज़ान इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर रमज़ान, बिकॉज यहाँ पे आपको कोविड की वजह से एक अपॉर्चुनिटी सी मिल गई है कि आपको, आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स नहीं है, बच्चों की उस तरह से कमिटमेंट्स नहीं हैं, इवन हम लोगों की उस तरह से कमिटमेंट्स नहीं हैं जिस तरीके से आम तौर पे हर साल रमज़ान में होती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, एक्स्ट्रा टाइम लगाएं एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स। एक और चीज़ कि ये रमज़ान पता है ऐसे भी डिफरेंट है कि पुराने जितने रमज़ान थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस अफ्तारी के ऊपर या सहरी के ऊपर, जी इधर जाके करनी है, चाय खाना की सहरी करनी है या कोई और रेस्टोरेंट बफे चल रहा है अफ्तारी का। अव्वल तो खाया जाता नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी प्लान होता था, तो वो सारे के सारे भी एलिमिनेट हो गए। ज़्यादा ज़्यादा घर पर आप एक्स वाई जी बनाएंगे, बहुत सारी जगह डिलीवरीज नहीं भी कर रही, तो वो भी ऑप्शन आपकी कम हो जाती हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ला रहा है हमारे पुराने रमज़ान के एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करके। तो अभी के लिए बस इतना ही, अब बाकी इंशाल्लाह अफ्तारी पे मुलाकात होगी। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बट काफ़ी तेज़ हो रही है और अभी तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा पहले क्लियर आसमान था, बारिश अब ख़त्म हो गई है और तकरीबन मेरा ख़्याल है 1-2 मिनट रह गए हैं अजान में। तो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट आउट हियर, क्योंकि अंदर तक अजान की आवाज़ नहीं आती सही से। तो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट। हो गई, चलो जी चलिए फिर। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इफ्तारी नहीं करते, बस खजूर, फ्रूट चाट, एक ड्रिंक और कुछ न कुछ स्नैकिश चीज़, जिस तरह के पकौड़े आप देख सकते हैं। एंड पे अपनी नमाजें पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली पहला रोज़ा कंप्लीट किया। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल राइट देयर।